हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी के तहत या चलते हुए आपका पठन पाठन का कार्यक्रम कोचिंग और स्कूल से संस्थान में नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आपकी समस्या को सुलझाने के लिए ऑनलाइन वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसके तहत आप अपने सब कुछ सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक जितने भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि आपका जो सिलेबस है जीव विज्ञान क्लास 12th का सिलेबस, हम लोग पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं और क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, कितने नंबर का है, ये भी सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कक्षा 12 का ये जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, इनका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम को देखते हुए NCERT पैटर्न पर आधारित बोर्ड ने पूरे इस बायोलॉजी को कंप्रेस करते हुए 5 यूनिट में डिवाइड किया है। 5 यूनिट, इसमें इकाई फर्स्ट है जनन, जो आपका 14 नंबर के अंक आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इकाई जो हमारा सेकंड है, इसे हम आनुवांशिकी और विकास कहते हैं, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम पुटअप करेंगे, और तीसरी इकाई जो है हमारा जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इनसे आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे, और चौथी इकाई है इकाई 4, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग कहते हैं, इसमें से 10 नंबर क्वेश्चन आपको आएंगे, और इकाई 5 में आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, जिनमें से आपको 14 नंबर क्वेश्चन उठेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में कि जो हमारा ये चरण है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के तहत आप देखेंगे कि इसमें 4 चैप्टर को हमें स्टडी करना है। सबसे पहले जीवों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना है क्या है कि जो जीवों में जनन होता है, इनमें स्पेशली जितने भी आपके एनिमल हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इन सब के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करनी है। उनमें कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम स्पेशली अध्ययन करेंगे जीवों में जनन में। तो सेकंड हमारा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें स्पेशली पौधों के बारे में जो उनकी लैंगिक प्रक्रियाएं होती है, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। और तीसरा हमारा होता है मानव जनन, ये आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी भी जनन प्रक्रियाएं चलती हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करते हैं। और चौथा है जनन स्वास्थ्य, जनन के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमें जिफ्ट और गिफ्ट जैसी जो आपकी टेक्निक है, इन टेक्निक के प्रति क्या उनमें हम आपका जागरूक करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना है 4th चैप्टर में। डी स्टूडेंट्स, आइए हम इकाई 2 में स्टडी करते हैं जो हमारा आनुवांशिकी और विकास है, जिनसे 18 नंबर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसमें आपको 3 चैप्टर को इन्वॉल्व किया गया है। सबसे पहला चैप्टर हमारा वंशागति और विविधता, मेंडली वंशागति, मेंडली अनुपात से विचलन, ये आपका चैप्टर का नाम है। इन चैप्टर में हमें वंशागत की क्या वेरिएशन है, मेंडल के नियम, मेंडली अनुपात से विचलन, इन सारी चीज़ों का इसमें स्टडी करना पड़ता है। दूसरी बातें जो हमारी होती है, जो आपका है चैप्टर 2, इसे वंशागत का आणविक सिद्धांत, इस वंशागत के आणविक सिद्धांत जो हमारा DNA है, जो हमारी बॉडी में DNA पाए जाते हैं, जिनके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जैसे हुबहू संतान उत्पन्न होते हैं, वो क्रोमोजोम जो होता है, उन सभी के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम सब स्टडी करते हैं। और तीसरा हमारा होता है विकास, डेवलपमेंट, ये आपका ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मानव की किस तरह से आपका धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ, उनके बारे में हम विकास में स्टडी करेंगे। आइए चैप्टर 3 में डिस्कस करते हैं, इकाई 3 है, उस इकाई 3 में आप देखेंगे जीव विज्ञान और मानव कल्याण। यहाँ पर जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य और रोग,
मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव का स्वास्थ्य किस प्रकार का होना चाहिए और उनके होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोग के बारे में हम स्टडी करते हैं जो हमारा मानव स्वास्थ्य और रोग में होता है। अगली बातें आती है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जैसा कि जनसंख्या के बढ़ोतरी के कारण खाद्य उत्पादन की क्या टेक्निक है, क्या वृद्धि करने की कार्यनीति है, उनके बारे में हमें स्टडी करेंगे यहाँ पर सेकंड चैप्टर में, यूनिट थर्ड के सेकंड चैप्टर में। और तीसरा चैप्टर जो हमारा यूनिट थर्ड का होता है उसे मानव कल्याण और सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम दूध से दही बना लेते हैं, सिरका बना लेते हैं, अचार, मुरब्बा, चटनी, सब कुछ, इन सब के बारे में हम मानव से रिलेटेड और उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। इकाई 4 जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इसमें हमें दो चैप्टर को इन्वॉल्व किया है, दो चैप्टर को पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, दूसरा हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। यहाँ पर देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का क्या सिद्धांत है, क्या प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी से हम कहते हैं, इनका सिद्धांत, इनके प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे जिनसे आपका 10 नंबर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में। और दूसरा हमारा चैप्टर सेकंड है जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का क्या मानव जीवन में उपयोग है, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर लास्ट हमारा यूनिट है आपका 5, जिसमें हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण आते हैं और इनसे 14 नंबर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में। इनमें आपका 3-4 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे पहला आपका जीव तथा समस्तियां, जीव और जीव के साथ जो पॉपुलेशन है उनका, उनके साथ साथ कौन कौन से एनिमल अपनी कितनी संख्या बढ़ाती हैं, इन सब की चीजें हम जीव और समष्टियों में अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारा पारितंत्र, पूरे इकोसिस्टम में, पूरे आपका भैया क्या नेचर में किस तरह का पारितंत्र होता है। पारितंत्र का मतलब हो गया कि उनके चारों तरफ का वातावरण, उनके चारों तरफ का एनवायरमेंट, वन पारिस्थितिक, जल पारितंत्र, मैदान का पारितंत्र, बहुत सारी चीजें हम स्पेशली करेंगे। तीसरा आता हमारा जैव विविधता और संरक्षण। इस चैप्टर में जीवों की हमें जीवों कितनी वैरायटीज होती हैं, इनके बारे में, उनका कैसे हम देखभाल करें, कैसे संरक्षण करेंगे, इन सारी चीजों का स्टडी यहाँ पर करते हैं। चौथी बातें होती है पर्यावरण के मुद्दे, कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, अर्थात जैसे आपका वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सबसे पहले हम अपना यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में पहला चैप्टर आपका स्टडी करेंगे जीवों में जनन।